जो 24 घंटे चलेगी। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमारी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। डीसी साहब का, पीडीडी डिपार्टमेंट का, जिन्होंने यहाँ गुरेज में जो पावर सप्लाई थी वो रिस्टोर किया कल से, जिसके लिए हम तहे दिल से हुकूमत वक्त और जो ऑफिसर हैं उनके मशकूर हैं। उसके लिए हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और पीडीडी डिपार्टमेंट के बहुत ही मशकूर हैं, खासतौर पर चौधरी यासीन साहब, चौधरी बशीर साहब, जिन्होंने खुद ज़ाती मुदाखलत की इस मसले में। मैं मोहम्मद इस्माइल लोन एज प्रेसिडेंट ट्रेडर्स यूनियन और कांग्रेस लीडर सरकार का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने 3300 केवी जो गुरेज लाइन पास की और गुरेज को 24 घंटे बिजली का जो सिलसिला कायम कल से शुरू हुआ, इस पर हमारे गुरेज के लोग भी बहुत खुश। दशकों के इंतजार के बाद गुजेर के गांव में बिजली से जगमगा उठे लोग। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तरी कश्मीरी के बांदीपोरा जिले के गुजेर घाटी में लोगों की लंबे समय से लंबित मांग की पूरी हो गई, क्योंकि बिजली विभाग विकास के सफल परीक्षण के बाद घाटी बांदीपोरा ग्रिड स्टेशन से बिजली से रोशन हो गई। कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रविवार को एक्स पूर्व ट्वीट कर एक ट्वीट घोषणा की थी कि उन्होंने हाल में ही सफल परीक्षण के बाद गुजेर घाटी को बिजली प्रदान करेंगे। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजली पाने के उनके सपनों को साकार करने के लिए वो एक एलजी प्रशासन और बांदीपोरा जिला प्रशासन के आभारी हैं। स्थानीय निवासी मोहम्मद इजमाइल लोन ने कहा कि पहले हमारे पास केवल 6 से 7 घंटे बिजली थी जो सुबह और शाम को दी जाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली के अभाव से छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सरकार द्वारा गुजेर घाटी के हमारे कॉलेज के स्मार्ट बोर्ड और अन्य प्रणालियां प्रदान करने के बावजूद दिन के समय अनुपलब्धता के कारण अब तक उनका उपयोग नहीं किया गया है। एक स्थानीय निवासी सुलेमान ने कहा कि सर्दियों में कभी कभी महीने तक अगर हमारा जेन सेट क्षतिग्रस्त हो जाता तो महीनों तक अंधेरे में ही रहते थे, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण घाटी कटी रहती थी। इसमें उम्मीद है कि अब ये समस्याएं हमारे लिए आसान हो जाएंगी। एक और स्थानीय इरशाद सामून ने मीडिया से बताया कि गुजेर घाटी के एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि उनके लंबे समय से लंबित मांग हल हो गई है। इसे संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार और एलजी प्रशासन को धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि घाटी को आज भी जनरेटर सेट से बिजली मिलती है। जम्मू कश्मीर से लोन सोनेवाल की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। तारीख में आज पहली मरतबा इलाके गुरेज तलेल को 24 घंटे बिजली फराहम करने के मकसद से 33 केवी लाइन से जोड़ा गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि आज तक इस इलाके को यहाँ की मुकामी सियासी पार्टियों ने अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, और पिछले 4 सालों के अंदर हमारी मरकजी हुकूमत ने यहाँ पर तामीर और तरक्की के 4 चांद लगाए। तो इस खुशी के मौके पर मैं अपनी तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से हमारी मरकजी हुकूमत का और हमारे हरदिल अजीज वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का, जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, जिला इंतजामिया बांदीपोरा का और महकमे बिजली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं अपने तलेल के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले साल के अंदर इलाके तलेल में भी 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।